तो जी अभी तक आप जो ये मोटर होम सीरीज देख रहे हैं, ये तो मैंने जो शूट की थी वो सारी थी इसको लेने, इसको लाने, रजिस्ट्रेशन और सारे इसके प्रोसेस, इसकी तैयारी सब करने की। बट अब क्योंकि हमने एक्चुअली आज से ट्रिप शुरू कर रहे हैं, आज ऑफिशियली डे वन होना है। वैसे तो कल होना चाहिए था डे वन, मगर क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई तो इसीलिए मैं इसको निकाल नहीं पाया। बट अब हमने इसकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लगभग फिक्स करा ली हैं। पहले इसमें क्रूज़ कंट्रोल की दिक्कत आ गई थी और फिर इंजन ब्रेक की प्रॉब्लम आ गई थी, वो सब फिक्स कराने के बाद अब फाइनली ट्रिप शुरू कर रहे हैं। और रात को हमने, एज यू माइट हैव नोन अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, तो मैकेनिक से ठीक करवाने के बाद हमने ये वॉलमार्ट के प्लाजा में ही गाड़ी खड़ी कर ली थी ताकि यहाँ से ही अपनी जो है हम ट्रिप शुरू करें पहला दिन और निकलें सीधा टोरंटो साइड पर, क्योंकि हमने वेस्ट की तरफ जाना है पूरा कनाडा क्रॉस करते हुए। बट कोशिश ये है कि इसको दिन में 3-4 घंटे से ज़्यादा ना चलाए, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो इसलिए अब पहला स्टॉप जो है हम किंगस्टन करने वाले हैं और बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। हाँ माता जी, फिर आप वो सब मैं आपको चलते चलते बताता हूँ, क्योंकि हमारा भी टारगेट है कि दिन में टाइम से किंगस्टन के कैंपिंग ग्राउंड पे पहुंच जाए। बाकी सामान तो आता रहेगा, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, क्योंकि सीए कहता है सारे के सारे बिल ला के दो, कल को आप टैक्स कैसे क्लेम करोगे, क्योंकि जो हम खर्चे कर रहे हैं ये बिज़नेस एक्सपेंस ही है। तो इसीलिए इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ बाइंडर ले लूँ एक, जिसके अंदर सारा हिसाब इस ट्रिप का चलता रहे, क्योंकि आप लोगों के साथ भी तो शेयर करना है, तो सब मुझे पता होगा तो मैं पूरा बता पाऊँगा डे वन से क्या खर्चा आ रहा है, स्टार्टिंग विद गैस जो टोल भरा है कल उसका, और उसके अलावा ये। माता जी काफी खरीदारी कर ली है? ज्यादा नहीं खरीदारी करनी, क्योंकि फ्रिज छोटा है, ठीक है, उसमें इतना सामान आएगा नहीं, ठीक है, तो बस 2 दिन जितना देख लो, ठीक है, बाकी जो है फिर जहाँ जाएंगे वहाँ लेंगे। तो फिर अभी बारबेक्यू के लिए चिकन वगैरह ले लेते हैं, चिकन ले लो, थोड़ा सा दही देखो मिले तो ले लो, ठीक है, चलो चलो चलो, हमारे पास पड़ा हुआ है प्याज टमाटर पड़े हुए, ठीक है, दही एंड दूध। माता जी आपके डबल डबल, हाय हाय, बाहर जाके पीनी है, थे मास्क लाया है, चेकआउट तो कर ले, पैसे देने हैं। और क्योंकि जी बिल्कुल एक नई जर्नी शुरू हो रही है, और साथ में मैंने सोचा इसीलिए सीरीज़ भी हम नई शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुरानी में तो आपने सारी तैयारी देख ली है, ये वाली के अंदर हम आपको पूरी जर्नी दिखा देते हैं, और साथ ही ये जर्नी का मैं आपको अब शुरुआत से सारे खर्चे बताने शुरू करूँगा, क्योंकि अभी तक सारी चीज़ें इसको लेना करना मिला डुला के लग गए होंगे कोई 15-16 लाख के आसपास, मगर अब क्योंकि एक हम फ्रेश जर्नी शुरू कर रहे हैं, और साथ में मैं सोच रहा हूँ एक दूसरी यानी कि अपनी वेट लॉस जर्नी भी शुरू कर दूँ के साथ साथ, थोड़ा दोनों जर्नी ट्रैक कर लेंगे। तो इसीलिए पहली जर्नी के मैं आपको खर्चे, डेस्टिनेशन और कितने किलोमीटर्स वो सब किए वो बता दूंगा, अभी फ़िलहाल मीटर जो है 196,000 किलोमीटर, यानी 196,000 किलोमीटर के आसपास, और वज़न इस टाइम मेरा 63 के आसपास है, ओ सॉरी 83 के आसपास है। तो इसलिए बस अब चलते हैं और साथ साथ आपको सारे खर्चे बताते रहेंगे, पूरा हिसाब और पूरी जर्नी की डिटेल अब शुरू। Baby,
अब जी कल प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इसका क्रूज कंट्रोल चल नहीं रहा था, तो हमने बड़े फोन वोन घुमाए, इधर उधर देखा कि रास्ते में कहीं मिल जाए। मॉन्ट्रियल में वो जो इलेक्ट्रीशियन था जिससे हमने पहले चेक कराई थी वो मिला, तो उसने कहा कि भैया अब तो दुकान सब बंद हो गई, मेरे घर आ जाओ एज अ टोल्डी बिफोर। तो घर उसके गए, उसने तारे मारे खोली, वो काम निपटा, तो उसके बाद ये पता लगा कि क्रूज कंट्रोल की एक तार के अलावा उसको छेड़ा है तो कुछ फ्यूज जो है शॉर्ट सर्किट कर गए, और फिर ये इंडिकेटर का जो स्विच होता है ये पूरा बंद हो गया। वो ठीक किया तो जो सीट आगे पीछे होती है वो बंद हो गई, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। पता ये लगा कि जिस बंदे ने ये हमें बेचा है उसने पहले काम कराया होगा, मगर उसने टंका लगवा दिया था। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि कैसे फ्यूज के ऊपर एक जगह लगा के दूसरी जगह टंका मारा हुआ है, फ्यूज बाईपास किए हुए हैं। बड़ा मैस था पर वो काम बन गया बाद। उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब ठीक है अब चलते हैं, तो फिर पता लगा कि इसकी जो इंजन ब्रेक होती है उसका लीवर हल्का सा लूज है, तो हमें मैकेनिक ने कहा कि वो आपको ज़रूर चाहिए। फिर वो ठीक करवाने के लिए पूरा का पूरा हमें अब इंजन का कंपार्टमेंट एक्सेस कहाँ से करें, पहले लगा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल चेक किया वो ठीक थी, फिर पीछे मैकेनिकल खोलने के लिए अब इंजन एक्सेस नीचे से हो नहीं रहा था, उसके लिए पूरा बेड पूरा ऊपर उठाया, और उसके बाद हमने खूब लाइटें शाइटें मारी, और उस बंदे ने उल्टा लेट के पूरा किसी तरीके से उसके जो पंप वगैरह होते हैं वो ठीक किए। चेन वगैरह बदली, थोड़ा बहुत खर्चा भी हो गया बट एटलीस्ट काम सारा हो गया। तो जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं क्रूज कंट्रोल के बिना तो चलाना ही बड़ा मुश्किल है, क्रूज कंट्रोल और उसके अलावा अपना जो इंजन ब्रेक, ये दोनों चीज़ें हो गई, तो फिर अब हम फाइनली जा पाए। वैसे तो अपने को ट्रक भी ओवरटेक कर रहे हैं, मगर अपने को कोई जल्दी नहीं है ना, जाते रहे जिसको ज्यादा जल्दी है, अपन 100 पे चलेंगे क्रूज पे। एक और आ गया, और क्योंकि 401 है बहुत बिजी हाईवे है, जो कनाडा के दो सबसे पॉपुलस प्रोविंस है ओंटारियो और क्वेबेक, उन दोनों के बीच में से यूएसए के बॉर्डर के साथ साथ चलता हुआ डेट्रॉइट तक जाता है, तो इसलिए हमेशा यहाँ पे जो है ट्रकों की आवाजाही ज्यादा रहती है। उत्तरी स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है। ओके जी, पहुंच गए फाइनली KWA, पीछे स्विमिंग पूल वगैरह दिख रहा है, फटाफट रजिस्ट्रेशन करा के अंदर चलते हैं। सर KOA KOA So Wi-Fi code. Okay. If you put it on your cell phone, for example, it's only going to go on your cell phone. Okay. Okay. All right. Do you have it throughout the park? Yes, we do. Oh, perfect. That's lovely. And this is your parking pass. Uh-huh. You can just put that on the motorhome. Okay. In your site C2. Okay, but we will have a car as well. That's okay. It doesn't matter. Okay. So your site C2, mm-hmm. and we're right here. You're going to have to come around and go down the St. Lawrence River. Okay. Up Cat River, down Otter Creek, and then pull through right there on C2. Okay. All right. Perfect. Thank you so very much. You're welcome. Thank you. Have a good day. Bye-bye. Yes, you too. Take care. Enjoy your stay. Thank you. तो जी सीन अब कुछ ऐसा बना कि यहाँ पे, क्योंकि ये जो कैंपिंग ग्राउंड है ये थोड़ा सा आप ये मान लीजिए ना ओंटारियो में है, और यहाँ पे अब मैं ज़रा मास्क उतार दूँ क्योंकि ओपन में मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि ये ओंटारियो है और थोड़े बड़े शहरों के पास है, इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। आप ये मान लीजिए कि एक रात की कीमत यहाँ पे $90 है, जो कि एक
टू स्टार होटल के बराबर हो सकती है. बट मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप के ये बजट वाला हिसाब तो ना बना मोटर होम का. बट लेट मी टेल यू, ये नहीं है बजट वाला हिसाब. इस बार मैंने पैसे बचाने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए यानी सेफ्टी के लिए जो है मोटर होम ट्रिप स्टार्ट करी है. प्लस दूसरी बात ये कि कनाडा में जो होटल्स हैं डिसेंट 3-star 4-star अगर आप इन शहरों में जाते हैं तो वो 10,000 से नीचे नहीं मिलते. तो उसके मुकाबले फिर भी सस्ता है, आप इंडिया के होटल प्राइसेस से कंपेयर नहीं कर सकते. तो इसीलिए एक तरीके से फिर भी ये सस्ती पड़ती है. अब ये था तकरीबन 75 कैनेडियन डॉलर के आसपास समझ लीजिए, मगर टैक्स वैक्स मिला के 90. और यहाँ पे एज आई टोल्ड यू बिफोर, हर कैंपिंग ग्राउंड में सिर्फ 2 ही लोग अलाउड होते हैं और पर एक्स्ट्रा पर्सन आपको $10 पे करने पड़ते हैं. तो मैंने निखिल को ऐड किया, तो क्योंकि हम 3 हो गए टोटल तो वो $10 और एक्स्ट्रा ऐड हो गए. और फैसिलिटीज सर्विसेज अभी हम देखेंगे, अगर गो कार्ट रेंट करते हैं तो सब करा करू के तकरीबन $110 के आसपास पड़ेगा ये पर नाइट. ये एक रात का खर्चा है और अगर एक्सटेंड करा लेंगे तो तकरीबन आप मान लीजिए 100 और, यानी कि तकरीबन 6,000 रुपये, जो कि यहाँ के होटल्स के मुकाबले फिर भी सस्ता है. और इसमें ये है ना कि अब हमारा सिर्फ मोटर होम ने पार्क ही करना है, गाड़ी निकाल देंगे और सीवरेज, पानी और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों चीज़ें तो इंक्लूड होती हैं. प्लस होटल्स की तरह इनकी सारी एमिनिटीज़ भी इंक्लूड होती हैं और आप नेचर इन्जॉय करते हैं अनलाइक होटल, बिसाइड्स बीइंग इनसाइड रूम, और जिसके अंदर ये स्विमिंग पूल वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं. और मम्मी जी ने आते अपना मुआयना शुरू कर दिया है. माता जी ठीक है, हो रहा है मुआयना? ठीक है, फिर ले चलें इसको मोटर रूम को अंदर. चलो ठीक है, आप पार्क करते हैं. हाँ, मगर जब तक हमारे साथ निखिल है तो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए ड्रोन शॉट्स ले लेते हैं. मगर निखिल को मैं पहले अंदर भेज देता हूँ ताकि वो रास्ता भी देख लें. इसीलिए गाड़ी हम अब यहाँ पे डिसमाउंट वो कर देते हैं, अनमाउंट कर देते हैं, कार उतारेंगे, कार अलग चली जाएगी, सिर्फ डॉली डॉली के साथ घसीट लेंगे इसको अंदर. ठीक है सर जी, तो ये देखना. हाँ, ये मोटर होम की फोटो हमारे जैसी नहीं, वही तो अपने जैसे ही मोटर होम है. आगे मत करो, राइट करना है स्टीयरिंग. यानी हमने इसको उल्टा लगा दिया था गलती से, अगली बार उल्टा लगाएंगे ताकि टायर में ना फंसे, तो इसीलिए तब सही रहेगा काम. अब गाड़ी उतार देता हूँ. उतार दूँ? उतार दूँ. स्ट्रैप खुले हुए हैं? अब जी हम पहले इसको सेट करते थे ना, तो इसको डाल के ऐसे ऐसे घुमाना या इसको घुमाना दिक्कत होती थी. और इसको घुमाना बड़ा रिस्की है क्योंकि मेन पाइप अगर एक गिर गई भुर गई तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे बड़ी पुरानी है. तो हमने ये ले लिया, इसको कहते हैं होज एक्सटेंडर या प्रोटेक्टर. बेसिकली ये क्या करता है, कई आरवीज में टेढ़ा होना होता है, पानी के प्रेशर से ना टेढ़ी हो जाती है, तो स्प्रिंग लगी हुई टेढ़ने से भी बचाती है. और अपने को ऐसी चकरी मिल गई फर्स्ट क्लास, अपन सीधा यहाँ से डालेंगे और चकरी पे इसको घुमा देंगे. आ गया पानी, और ये है अपनी बिजली की तार 30 एम्पेयर. बस हम ये सीधा यहाँ डाल देंगे. चलो चलो, आवाज आ गई इसी की, आवाज आ गई. वेरी गुड, यानी कि अपना जहाँ का काम आज पहुँचने का, इसको सेटल करने का हो गया, ये तैयार है. अब थोड़ा सा यहाँ पे घूम लेते हैं और तैयारी करते हैं आगे की, और उसके बाद फिर देखते हैं कि आपको क्या दिखाना है और हमें क्या दिखना है. Baby, you
तो जी ये तो अभी हम पहुंचे हैं बस किंगस्टन और पहला दिन आज खत्म हुआ है। किसी तरह गाड़ी वाड़ी लेके आ गए हैं, सेटल कर दी है और अपना आर्मी में मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। माता जी ने भी अपना डिनर शिनर सब कुछ निपटा के फर्स्ट क्लास बस अब जो है तैयारी पकड़ ली है कि आगे लंबी लंबी ट्रिप करनी है और कल आप लोगों को अच्छे से किंगस्टन भी दिखाना है। क्यों माता जी फिर ठीक है अब तैयार हो जगह घूमना है ना, अब रेस्ट करें, सोए, नींद अच्छी लें ताकि सुबह उठे एनर्जी। क्योंकि हमें ये कोशिश करनी है कि सुबह सुबह निकल के अपना शूटिंग कर लें, उसके बाद दोपहर बाद तक आके मैं एक दो घंटे रेस्ट कर लूँ, सो जाऊँ, फिर एडिटिंग कर लें और उसके बाद अगले दिन की तैयारी हो। तो कोशिश यही रहेगी, यही रूटीन हो और इसी रूटीन के बीच में कहीं एक्सरसाइज भी फिट करनी है। वजन 63 किलो आज का खर्चा टोटल हो गया है अभी तक $220 के आसपास और ये हम डेली का कंकरेंट ऐड करते जाएंगे ताकि आपको वेट लॉस और मनी लॉस दोनों की डिटेल पता लगती रहे, ठीक है ना। और साथ में आप एक्टिवली हमारी इस ट्रिप में एज अ फैमिली मेंबर पार्टिसिपेट कर सके। बट थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। आई शाबाश, थैंक यू सो मच।